नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां सैनी महापंचायत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जतिन सैनी बॉक्सर पहुंचे, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के उपलक्ष्य में नगीना चौक स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता, नरेश सैनी, विजय जैन आदि ने महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सैनी समाज के युवाओं व नेताओं ने सैनी महापंचायत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जतिन सैनी बॉक्सर का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जतिन सैनी का काफिला ग्राम नौरंगाबाद स्थित अलहपुर पंचायत घर पहुंचा, जहां आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं नौरंगाबाद ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। मोहित सैनी को सैनी महापंचायत संगठन का युवा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सैनी महापंचायत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जतिन सैनी बॉक्सर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा समाज अपने महापुरुषों को भूलता चला जा रहा है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है, हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और उन्होंने बताया, सबसे पहले आप भाइयों को जय ज्योति जय क्रांति। मैं जतिन सैनी बॉक्सर, सैनी महापंचायत संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज धामपुर में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जयंती पर अपने युवा साथियों ने धामपुर के कार्यक्रम रखा, जिसमें मेरे साथ मेरे बड़े भाई अंकित सैनी राष्ट्रीय महासचिव, उत्तराखंड प्रभारी भाई रवि सैनी जी और ब्लॉक अध्यक्ष भी अपने मौजूद हैं, अभिषेक भाई और भी हैं, काफ़ी साथी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और संगठन के जो उद्देश्य हैं, जैसे ये मैं आपको बता दूं, संगठन के उद्देश्य ये सैनी समाज के साथ साथ अन्य समाज, मतलब अपने जो 36 कौम का भाईचारा उसके लिए भी है। जैसे गरीब बेटों की शादी कराना, गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाना, गरीब परिवारों को मेडिकल सहायता में या ब्लड के लिए या दवाई के लिए मदद करना, गरीब परिवारों को जैसे कोरोना की महामारी आई थी उसी टाइम से लेकर अब तक कुछ परिवार ऐसे हैं जो टूट चुके हैं, जिनकी आर्थिक सहायता बिल्कुल टूट चुकी है, समय समय पर उनको राशन दिलाना, आपसी जाति विषय विवाद होता है उनको ख़त्म करना, इन मुद्दों पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। साथ में आरक्षण को लेकर अपने राष्ट्रपिता माता सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न की मांग भी कर रहे हैं हम लोग। और पूरे केंद्र में, मतलब 11 अप्रैल को हम छुट्टी का मांग करते हैं। जैसे राजस्थान सरकार ने इस बार अवकाश घोषित किया है, इसी तरह से हम पूरे केंद्र के लिए अवकाश घोषित के लिए मांग भी करते हैं। आप जो भारत में जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या आगे आपका चलकर राजनीति में जाने का प्लान है? मेरा कोई राजनीति में जाने का कोई ना, अभी तक तो कोई सोचा ना, ना भी आगे के लिए सोचा भी है। और प्रयास ये कि मैं जिस तरह से वर्क कर रहा हूँ उसी तरह से वर्क क्यों, क्योंकि मुझे राजनीति से प्यार समाज सेवा के रूप में ज़्यादा मिल रहा है। राजनीति में भी लगता है कि इतना आपसी में इतना प्यार नहीं मिल पा रहा है जितना मेरे समाज सेवा के रूप में प्यार मिल रहा है, अपने 36 कौम का मिल रहा है। सैनी समाज को और क्या आप जानकारी देना चाहोगे? मैं सैनी समाज को यही जानकारी दूँ, अब बड़े भाई से थोड़ा चाहूँगा, बड़े भाई मेरे अपने बैठे हैं बराबर में अंकित सैनी जी, तो थोड़ी जानकारी अंकित भाई दे देंगे। जैसे मैं आपको छोटी सी वीडियो और बता दूँ, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी पूरा दिया था परिवार को आकर, जिस तरह से हमारे साथ हमारे थोड़ा नहीं हो पाया, तो मैं यही कहना चाहूँगा, मूर्ति लगाई है आप भाइयों के सपोर्ट से दोनोरी चौक पर, उसी तरह से हम शहीदों को भी सम्मान दे रहे हैं और सतत सेनानी को लिए भी। राष्ट्रीय महासचिव ने जानकारी देते हुए बताया, जैसा कि आज आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद सभी साथियों के द्वारा आज बड़े धूमधाम से पूरे देश भर में शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जयंती कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में अपने धामपुर के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई मोहित जी के द्वारा धामपुर क्षेत्र में कार्यक्रम रखा गया, उसमें हम सभी युवा साथियों ने बड़ी धूमधाम के साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती। इसमें और आप अपने समाज को क्या कहना चाहोगे समाज के बारे में? कि मैं अपने समाज के युवाओं को संगठन के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और नशे से दूर रखना है, क्योंकि देखने में आया कि हमारे समाज ही नहीं, अन्य पिछड़े दलित समाज के युवा नशे की ओर आगे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नशे से हमें कुछ नहीं मिलना, शिक्षा अगर हम प्राप्त करेंगे तो सरकारी नौकरियों में उच्च पद पर जाएंगे, नौकरी प्राप्त करने के बाद अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज का
मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति हम लोगों की सुधरेगी। इसलिए हम अपने युवाओं को आज इस बैठक के माध्यम से, आज इस जयंती के माध्यम से ये संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई जितेंद्र सैनी बोक्से जी ने दिया है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना शिक्षा पे देना है। इस दौरान भारी संख्या में सैनी समाज के लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े हैं बंधन समाचार के साथ।